आज हर जगह एमसीडी चुनाव के नतीजों की चर्चा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आए और देश भर में चर्चा हो, और इसमें पहली बार केजरीवाल की पार्टी बहुमत के साथ जीती। लेकिन आज मैं जिस एमसीडी की बात करूंगा, वो एमसीडी अगर केजरीवाल ने नहीं जीती तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, और हो सकता है ये एमसीडी उन्हें दिल्ली भी हरवा दे। अब आप कहेंगे एमसीडी जीत ली, फिर मैं कह रहा हूं कि एमसीडी नहीं जीते तो वो दिल्ली हार जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? एमसीडी जीते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं बदला है। लेकिन हम दूसरी एमसीडी की बात कर रहे हैं, और ये एमसीडी जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं, वो दिल्ली के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये वो एमसीडी है जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं जीती तो वो दिल्ली भी हार सकते। और ये एमसीडी क्या है भाई? ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है, ये है एम से मुस्लिम, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका चैप्टर, सी से करप्शन इसका फैक्टर, और डी से दंगा इसका फैक्टर। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं एम सी डी जिनको अगर कंट्रोल नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने तो वो दिल्ली विधानसभा भी अपने हाथ से खो सकते हैं अगले चुनाव में। ये क्यों कह रहा हूं आज आपको ये समझाऊंगा। ये एमसीडी फैक्टर कैसे एमसीडी के चुनाव के नतीजों में दिखा है आज इसके बारे में बताऊंगा, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं। वैसे तो केजरीवाल को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि एक नई पार्टी बनाकर 10 साल में उन्होंने दिल्ली को अपना अभेद्य किला बना लिया, जिसमें उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव बड़े बहुमत से जीते, और अब उन्होंने नगर निगम चुनाव में भी बहुमत हासिल कर लिया और वहां पर 15 साल से काबिज बीजेपी को हटा दिया। लेकिन नगर निगम चुनावों में केजरीवाल को पहली बार जीत भले मिली, लेकिन इसमें भी उनके लिए बड़ी बड़ी टेंशन वाली बातें दिख रही। कैसे? उनके दोस्तों ने ही उनका वोट जो है वो खा लिया, आज वो भी बताऊंगा। जो टेंशन देने वाली बातें हैं केजरीवाल को, वो सीटों का नंबर देखिएगा तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहां तो बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 15 साल के एंटी इनकंबेंसी के बाद भी 105 सीट जीत रही है, तो फिर क्या ही तूफान खड़ा किया केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल की असल चिंता कहीं और, कुछ और डेटाज में दिख रही है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एमसीडी का रिजल्ट बता देता हूं। ये वाला एमसीडी जो आपको बताया अभी, एम मुस्लिम, सी से करप्शन और डी से दंगा, ये अपनी जेब में अभी थोड़ी देर रखिए, आगे निकालिएगा, काम आए। ये अभी आपकी जेब वाला एमसीडी। तो 2022 का रिजल्ट जो है वो ये कह रहा है कि दिल्ली में कुल वार्ड जो है वो कितने हैं, वो थे 250, और इसमें से बीजेपी के पास आए 104, आम आदमी पार्टी के पास आए 134, और कांग्रेस के पास 9, और अन्य अदर्स इनके पास आए 3। अब अगर 2017 का चुनाव दे, जो पिछला एमसीडी का चुनाव, उसमें अगर देखिएगा तो कुल वार्ड की संख्या 270 थी, उसके बाद जो है वो तीनों एमसीडी मिला दी गई तो सीटें घट गई 250। तो पिछले बार बीजेपी को आई थी 181 सीट, आम आदमी पार्टी को आई थी 49 सीट, और कांग्रेस को आई थी 21 सीट। ये पिछली बार का आंकड़ा है। अब इसको एक नजर में देखने में ये लगता है कि भाई सीधे सीधे 49 से आम आदमी पार्टी 134 पहुंची है, 181 से घटकर बीजेपी 104 हुई है, ये तो सीधा सरल कैलकुलेशन है, और कांग्रेस जो है वो 21 से घटकर 9 रह गई है। लेकिन एक तो ओवरऑल सीटें घटी हैं, पहली चीज। दूसरा फैक्टर ये है कि इन सीटों के पीछे जो कहानी है वो अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि सीट तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में वोट परसेंटेज को देखेंगे तो इससे पता चलता है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को सीटें जरूर कम मिली, लेकिन उनका वोट कम नहीं हुआ, बल्कि वोट बढ़ गया। जबकि 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले में केजरीवाल को जो वोट मिले थे दिल्ली के अंदर, उससे अगर कंपैरिजन कीजिए तो केजरीवाल के वोट करीब 11% कम हो गए। और ये कहां से कम हुए, अभी आपको इसका आंकड़ा भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा वोट प्रतिशत देखिए, उसमें आपको खेल पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 2022 में जो बीजेपी को वोट मिला है वो बीजेपी को मिला है 39%,
आम आदमी पार्टी को मिला है 42%, तो दोनों के बीच में वोट प्रतिशत का अंतर मात्र 3% का है, और कांग्रेस के खाते में है 12%, बीएसपी के खाते में भी 2% चला गया, 2%। तो यहां आप देखिए क्लोज फाइट है, मात्र 3% वोट शेयर का फर्क। अगर इसको आप 2017 के एमसीडी चुनाव से कंपेयर कीजिएगा, ये एमसीडी का बता रहा हूं, तो बीजेपी का था 36% वोट शेयर, यानी 3% बढ़ गया इस बार, कम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का था 26%, जो कि इस बार 16% का एक तरीके से जंप है अगर आप देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का था 21%, जो कि करीब 9% गिर गया, और बीएसपी का 5%। लेकिन जब आप यहां पर 2020 का विधानसभा चुनाव ले आते हैं, तो उस विधानसभा में किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत था उसको कंपैरिजन करने बैठिएगा, तो बीजेपी थी 38.5%, तो बीजेपी जो है वो कमोवेश 38-39% पर टिकी हुई है विधानसभा में भी, एमसीडी में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा में थी 53.5%, जो अब घटकर हो गया 42% अगर आप एमसीडी से कंपेयर करें, और कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 4.2% थी, जो कि अब बढ़कर एक तरीके से जो है वो 12% पर आ गई। तो विधानसभा के मुकाबले में कंपैरिजन करने जाइएगा तो कांग्रेस और बीजेपी का फायदा हुआ है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है वोट शेयर में, और ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल को वोटों का नुकसान जो हुआ वो कांग्रेस के पक्ष में गया। सवाल यह है कि कैसे हुआ है? और ऐसे कौन वोटर है जिन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ फिर से पकड़ लिया, क्योंकि हर जगह तो कहा जाता है कि केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते हैं उन्हें देखना हो, और यहां पर आपको जो मैंने एमसीडी बताई थी, जिसको मैंने कहा था अपनी जेब में रखिए, एमसीडी, इसको साइड में लिख दे रहा हूं, मुस्लिम, इसका पहला फैक्टर अब आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे केजरीवाल जो हैं उनके लिए ये मुस्लिम वोट बैंक परेशानी खड़ी कर सकता है। दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस के जो 9 कैंडिडेट जीते उनमें 7 कैंडिडेट मुसलमान हैं, और इनमें ओखला के अबुल फजल इनक्लेव वार्ड से आरिबा खान, ओखला के जाकिर नगर वार्ड से नाजिया दानिश, सीलमपुर के चौहान बांगर वार्ड से शगुफ्ता चौधरी जुबैर, गांधीनगर के शास्त्री पार्क वार्ड से समीर अहमद, बाबरपुर के कबीर नगर वार्ड से जारिफ, मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 से सबीला बेगम, मुस्तफाबाद के ब्रिजपुरी वार्ड से नाजिया खातू। 9 कैंडिडेट जीते कांग्रेस के, 7 मुसलमान हैं। यानी मुस्लिम कैंडिडेट ना होते, मुसलमानों का वोट ना मिला होता, तो कांग्रेस करीब करीब खत्म हो जाती दिल्ली एमसीडी। कांग्रेस के जो 7 मुस्लिम कैंडिडेट जीते उनमें से 5 कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को ही हराया। जैसे अगर आपको बताऊं, ये फैक्टर पकड़ के रखिएगा, अभी बहुत काम आने वाला है। जैसे अगर आप देखेंगे ओखला के अंदर अबुल फजल इनक्लेव वार्ड, यहां कांग्रेस ने हरा दिया किसको, आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस की आरिबा खान 16,554 वोट मिला और आम आदमी पार्टी के वाजिद खान को 15,000 के करीब वोट। जाकिर नगर, ये दोनों ओखला में आते हैं, ये दोनों, और ओखला किसका इलाका, अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक। यहां भी कौन जीता, यहां कांग्रेस जीती, दोनों जगह कांग्रेस जीती है भाई, और आम आदमी पार्टी को हरा कर जीती है। 16,878 वोट मिले कांग्रेस को, 16,405 वोट मिले आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा एक इलाका है चौहान बांगर, ये वो इलाका है सीलमपुर का जहां पर दंगे हुए थे दिल्ली में, यहां पर भी कांग्रेस जीती। देख रहे हैं वो सारे इलाके जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, वहां कांग्रेस ने डेंट किया है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को 21,000 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को करीब 6,000 के आसपास। कबीर नगर एक और इलाका दिल्ली के अंदर जहां पर कांग्रेस जीती, यहां पर भी इन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया। और फिर ब्रिजपुरी वार्ड है मुस्तफाबाद में, यहां कांग्रेस की नाजिया खातून जीती आम आदमी पार्टी की आफरीन नाज को हराकर। दिलचस्प बात यह
भी है कि एक वार्ड में जहां कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट जीता वहां पर AIMIM से उसकी टक्कर थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, और AIMIM के कैंडिडेट को उन्होंने हरा दिया। मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 कांग्रेस की सबीला बेगम को 14,921 वोट मिले और ओवैसी साहब जो किसी बुरके वाली या हिजाबी महिला को पीएम बनते देखना चाहते हैं उनकी पार्टी की सरवारी बेगम को 8,339 वोट ही मिल पाए। देखिए दिल्ली में मुस्लिम वोटों का गणित ये है कि दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम वोटर और 250 जो वार्ड हैं इनमें करीब 50 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर प्रभाव छोड़ता है, जिसमें बल्ली मारान है, सीलमपुर है, ओखला है, मुस्तफाबाद है, चांदनी चौक है, मटिया महल है, बाबरपुर है, किराड़ी है, दिलशाद गार्डन है, सीमापुरी है, त्रिलोकपुरी है। इस तरह के इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा 26 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, आम आदमी पार्टी ने 13, AIMIM ने 14 और करीब 9 सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के मुस्लिम कैंडिडेट के बीच टक्कर थी। आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट जीते उनमें बल्ली मारान से मोहम्मद सादिक हैं, कुरैश नगर से शमीम बानो हैं, श्रीराम कॉलोनी से मोहम्मद आमिल मलिक हैं, चांदनी महल से मोहम्मद इकबाल, बाजार सीताराम से राफिया माहिर, जामा मस्जिद वार्ड से सुल्ताना आबाद। 13 लोगों को टिकट दिया, मात्र 6 जीत पाए, 50% से ज्यादा हार गए मुस्लिम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के ताकतवर विधायक और मुस्लिम चेहरे अमानतुल्ला खान के इलाके ओखला का हाल सुनिए, कैसे मुस्लिम वोटर, मुस्लिम फैक्टर जो आपको ये बता रहा हूं वो MCD जो केजरीवाल को दिल्ली हरवा सकती है। आप देखिए अमानतुल्ला खान का इलाका है ओखला, उस ओखला के अंदर बीजेपी ने जीते हैं 2 वार्ड, कांग्रेस जीती 2 वार्ड और आपको मिला 1 वार्ड। ये वो ओखला है जहां पर अमानतुल्ला खान वो जीते थे 70,000 वोट से ज्यादा से, इतना ज्यादा उनका प्रभाव, और उस इलाके में आम आदमी पार्टी को मात्र 1 वार्ड में जीत मिली है, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी। ये मुस्लिम वोट जो छिटक रहा है अरविंद केजरीवाल से वही वो MCD है जो मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम निकल गया हाथ से तो विधानसभा चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई थी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। इसमें यह ओखला भी था जहां का आपको हाल बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने जीता, सीलमपुर जीता, बल्ली मारन जीता, मुस्तफाबाद जीता और मटिया महल जीता था। इस बार नगर निगम के चुनाव में ओखला के 5 वार्ड में आप 1 जीत पाई, सीलमपुर जहां पर आम आदमी पार्टी जीती थी, एक और मुस्लिम बहुल इलाका जहां का विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है, उसमें 4 वार्ड आते हैं और आम आदमी पार्टी 0 पर जीती है। आम आदमी पार्टी 0, 1 भी सीट नहीं जीत पाई। बल्ली मारन यहां पर भी आम आदमी पार्टी 1 सीट हार गई। मुस्तफाबाद के 5 वार्ड में आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। मटिया महल के 3 वार्ड में सभी में आम आदमी पार्टी जीती है, यानी 2 सीटों को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है मुस्लिम बहुल इलाकों में। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का गणित आपको समझा देता हूं। मुस्लिम वोट जो था 2020 में, 2020 में दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट, इसमें से आप सोचिए 83% वोट जो है वो किसको गया था आपको पता है? आम आदमी पार्टी को। 83% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और मात्र 13% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। और आज की तारीख में गणित ऐसा पलटा, केजरीवाल जो है वो नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाने के लिए ऐसे निकले कि मुस्लिम वोट 83% जिसको मिल रहा था वो ओखला में भी हार गया, वो सीलमपुर में भी हार गया, वो 5 विधानसभाएं मुस्लिम बहुल वाली वहां पर 3 में हार गया और 2 जगह बाकी ताकि किसी तरह से जीता। तो मुस्लिम वोटों का आम आदमी पार्टी से चिटकना अगर जारी रहा और कांग्रेस की तरफ जाना जारी रहा तो विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी ने भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे और सभी पसमांदा समाज के थे, लेकिन 4 मुस्लिम कैंडिडेट हार गए। चांदनी महल से इरफान मलिक को बीजेपी ने टिकट दिया, यह सीट आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ने बड़े अंतर से जीत ली। कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आया।
कुरैश नगर से बीजेपी ने समीना राजा को टिकट दिया था, वो दूसरे नंबर पर रही, उन्हें 6,643 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की शमीम बानो को 11,299। इसी तरह से चौहान बांगर में बीजेपी हारी और मुस्तफाबाद में भी बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा शबनम मलिक, वो भी हार गए। तो चार पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन जीत नहीं। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, इन दंगों के बाद पहली बार दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। तो पहले तो आपने एमसीडी का जो मुस्लिम फैक्टर है वो समझ लिया, वो कैसे केजरीवाल से छिटक रहा है। अब आपको बताता हूं एमसीडी डी का हिस्सा, दंगा। पहली बार दंगों के बाद दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और दंगों से प्रभावित इलाके ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थे और दंगों का ट्रिगर पॉइंट सीलमपुर का इलाका था और यहां आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई। सीलमपुर जहां पर दंगे हुए थे वहां चार वार्ड हैं, सीलमपुर वार्ड नंबर 225, गौतमपुरी, चौहान बांगर और मौजपुर वार्ड। इनमें दो वार्ड बीजेपी ने जीते, एक वार्ड कांग्रेस ने जीता और एक वार्ड निर्दलीय कैंडिडेट ने जीता। आम आदमी पार्टी एक भी वार्ड उस सीलमपुर में नहीं जीत पाई जहां दिल्ली में दंगे हुए थे। सीलमपुर की सीट पर निर्दलीय शकीला बेगम जो है वो जीती हैं, जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीती थी और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बिठाकर शकीला बेगम को समर्थन दिया। गौतमपुरी की सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट सत्य शर्मा जीते, यहां कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था जो दूसरे नंबर पर था। गौतमपुरी की सीट पर पिछली बार भी बीजेपी का कब्जा था। चौहान बांगर की सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट जीता था, इस बार कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट जीता। देख रहे हैं एमसीडी का एम और डी, दंगा वाला इलाका, वहां क्या हुआ है। और आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। मौजपुर की सीट बीजेपी के कैंडिडेट अनिल शर्मा ने जीती, पिछली बार मौजपुर में आम आदमी पार्टी की मौज रही थी, उनका मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को हराकर जीता था, लेकिन इस बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के इलाके में क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। ताहिर हुसैन का इलाका है नेहरू विहार, वार्ड नंबर 244। यहां से ताहिर हुसैन ही पिछली बार आम आदमी पार्टी का पार्षद था जिसने बीजेपी के अरुण भाटी को हराया था। इस बार बीजेपी के अरुण भाटी नेहरू विहार में जीत गए, उन्हें 15,001 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के अलीम अंसारी को 356 वोट से हराया। कांग्रेस के अलीम अंसारी को 14,645 वोट मिले। यहां से आम आदमी पार्टी ने प्रवेश चौधरी को कैंडिडेट बनाया था जो कि हार गए। यानी दंगों वाला ताहिर हुसैन का इलाका, वहां पर बीजेपी को जीत मिली, आम आदमी पार्टी को नहीं। पिछली बार ताहिर हुसैन को 13,447 वोट मिले थे और वो 626 वोट से जीता। इसके अलावा दिल्ली के जो दंगा प्रभावित इलाके रहे उनमें यमुना विहार वार्ड नंबर 232, जहां पर बीजेपी के प्रमोद गुप्ता जीते, यहां बीजेपी को 15,875 वोट मिले, आम आदमी पार्टी की विनीता को 6,420 वोट मिले। सुभाष मोहल्ला वार्ड नंबर 233, यहां पर बीजेपी की मनीषा सिंह जीती, उन्हें 11,206 वोट मिले, आम आदमी पार्टी की रेखा त्यागी को 8,535 वोट मिले। यानी आपने दो चीजें तो देख ली, पहला मुस्लिम फैक्टर एमसीडी, मुसलमान क्या अरविंद केजरीवाल से छिटक रहा है ये इन नतीजों में दिख रहा है। दूसरा डी, जहां जहां दंगे हुए वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, लोगों के नजर में उनकी छवि खराब हुई, ऐसा दिख रहा है। अब आपके पास आता हूं सी, यानी करप्शन पर चर्चा करता हूं कि ये जो करप्शन के आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर उसका इस एमसीडी चुनाव पर क्या असर। आम आदमी पार्टी को जीत जरूर मिली लेकिन उनके दागी मंत्रियों के इलाके में आम आदमी पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा, जबकि अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे आपको याद है ना कि मनीष सिसोदिया को हाथ लगाया तो उससे गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ गया, गिरफ्तार करेंगे तो वोट शेयर 6% बढ़ जाएगा। पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि मनीष सिसोदिया की दिल्ली में जो सीट है वहां आम आदमी पार्टी का क्या। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया, और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर दो बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में। तो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मनीष सिसोदिया को छू लेने से
अगर बीजेपी छू ले, ईडी वगैरह छू ले, तो 4% वोट गुजरात में बढ़ता है। अगर गिरफ्तार कर लें तो 6% वोट बढ़ता है। दो बार गिरफ्तार कर लें तो गुजरात में सरकार बनती है। अब इस दावे को जब आप एमसीडी चुनाव में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे, उसकी सच्चाई देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि गुजरात में इनका क्या हाल होगा। दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुए, इसमें मनीष सिसोदिया, जिनके बारे में अभी आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को कहते हुए कि इनको छूने पर 4% और गिरफ्तार करने पर 6% वोट बढ़ता है, इनका इलाका जो है जहां से ये विधायक है वो इलाका है पटपड़गंज, और इन पर शराब घोटाले का आरोप लगा। जिस पटपड़गंज से ये विधायक हैं वहां पर 4 वार्ड आते हैं, 4 वार्ड। इस 4 में से 3 बीजेपी ने जीते हैं। तो जिनको छू लेने से गुजरात में वोट मिलता है, वहां उनको खुद के अपने इलाके में लोग वोट नहीं दे रहे हैं, और गुजरात में छू लेने से 4%, और यहां आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। ये है वो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को कुछ नहीं आता जी, इनको खाली स्कूल बनाना आता है जी। क्या बनाना आता है वो तो आप समझिए कि 3 बीजेपी जीत गई, कहां मनीष सिसोदिया के इलाके में, अब आप बताइए। इसी तरह से दूसरे इनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि केजरीवाल के वोट तो उनके दोस्त ही खा गए। सत्येंद्र जैन, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। इनकी विधानसभा सीट है शकूर बस्ती। इस शकूर बस्ती में 3 वार्ड आते हैं, और ये तीनों किसने जीते? तीनों बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी 0। इसी तरह से अगर आप दूसरे मिनिस्टर देखिएगा, केजरीवाल सरकार के दूसरे मंत्रियों के इलाकों में भी बुरा हाल रहा। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री, विधानसभा सीट नजफगढ़, कुल वार्ड 4, बीजेपी जीती 3, निर्दलीय जीता 1, आम आदमी पार्टी अंडा 0। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री, विधानसभा सीट बाबरपुर, कुल वार्ड 4, बीजेपी 2, कांग्रेस 1, आम आदमी पार्टी 1। इतना बढ़िया काम हो रहा है लेकिन मंत्रियों के इलाके में सीट नहीं आ रही। अब अगर एमसीडी चुनाव नतीजों के हिसाब से एक मोटा अनुमान विधानसभा सीटों का लगाएं तो क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है, यह भी आपको बताता हूं। दिल्ली में अगर इसको कन्वर्ट करें विधानसभा चुनाव के लिहाज से, अगर यही मोमेंटम रहा तो दिल्ली विधानसभा की तस्वीर क्या बन सकती है आने वाले चुनाव में, अगर यही कन्वर्जन रेट रहा इन पार्टियों का, तो सीटें कितनी हैं दिल्ली विधानसभा में? 70 है, 70, और कुल वार्ड हैं 250, कुल वार्ड 250, 250, तो औसतन हर सीट पर 3.5 वार्ड मानकर अगर चलिए, तो आपके खाते में कितने वार्ड आए हैं? 134 वार्ड आए। अगर इसे विधानसभा सीट में कन्वर्ट करें तो 134 वार्ड डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी की सीटें हो सकती हैं 38 अगले चुनाव। अभी आम आदमी पार्टी की सीटें कितनी है? 62। इसी तरह से बीजेपी ने कितने वोट जीते हैं? 104। अगर उसको आप 3.5 से डिवाइड कर दीजिए और विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कीजिए तो बीजेपी की सीटें हो सकती हैं 30, और अभी बीजेपी की पास कितनी सीट है? मात्र 8। और यहां पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 साल से कुछ ही ज्यादा समय बचा है, दिल्ली में बीजेपी के पास कोई फेस भी नहीं है। अगर कोई फेस हो तो केजरीवाल के दिल्ली किले में सेंध लगाना नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से एम मुस्लिम उनसे छिटक रहा है, सी करप्शन को लेकर लोगों में उनकी छवि खराब हो रही है, और डी दंगा प्रभावित इलाकों में उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए अगर ये हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर ये नहीं होने देना अरविंद केजरीवाल को तो उन्हें इस एमसीडी को जीतना होगा जिसकी कोई चर्चा नहीं कर, इसलिए मैंने कहा कि आपको हम बताते हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे।